कक्कर इब्राहिम, सारा घर एक तरफ हो गया है और दीपिका बेचारी अकेली। लेकिन फिर भी दीपिका सिचुएशंस को बहुत अच्छे से संभाल रही है, मेंटली भी दीपिका कक्कर बहुत स्ट्रांग है, दीपिका ने ये दिखा दिया है। वेल, हर कोई कर रहा है दीपिका की तारीफें, मनु पंजाबी तो आपको याद ही होंगे। जी हाँ, वही मनु पंजाबी जो मनवीर गुज्जर के साथ मोनालिसा के साथ हमेशा ही तिगड़ी बनाकर रहा करते थे। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके मनु पंजाबी दीपिका कक्कड़ की जमकर तारीफें करते हुए नजर आए, दीपिका की मेंटल स्ट्रेंथ की तारीफें करते हुए नजर आए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं दीपिका को लेकर मनु पंजाबी। दीपिका, हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, क्या गेम खेला है तुमने और किस तरह से, मतलब केवी को भी कन्विंस किया अपनी बात पे। उन दोनों को करना तो चलो फिर भी ये इतना टिपिकल नहीं था। रोमिल जब की ट्राई कर रहे थे जसलीन को समझाने की तुम कहाँ पे कम हो, तुम कहाँ पे कम हो, कंपेरेटिव टू दीपिका 100% कम है ये लोग, तो इनको साइड में रहना चाहिए। सृष्टि इज प्लेइंग दीस डेज, सृष्टि इज प्लेइंग गुड, आई एग्री, बट फिर भी दीपिका की बराबरी नहीं हो सकती है। सो दैट वॉज ऑल्सो अ सीन। और जिस तरह से केवी ने अपने आपको नॉमिनेट किया कि मैं कहीं ना कहीं मेच्योरिटी लेवल में आपको देखता हूँ, तो दादा आप मेच्योरिटी और कहाँ चाहिए आपको? अब इसके बाद में क्या आपको संत बन के संन्यास पे जाना है आपको 100-200 साल के लिए, फिर अपने आपको मेच्योर मानोगे? सो यू वॉज रॉन्ग देयर। सृष्टि ने सुना आपने मनु पंजाबी कितनी तारीफें कर रहे हैं दीपिका कक्कड़ की। वेल, आपको बता दें कि जब दीपिका शुरुआत में गेम में आई थी और शुरुआत में मनु पंजाबी ने अपना पहला रिव्यू दिया था, तब दीपिका के लिए मनु पंजाबी ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है। जी हाँ, मनु पंजाबी ने दीपिका का कोई भी सीरियल नहीं देखा था। वहीं मनु पंजाबी ने ये भी कह दिया था कि ये लड़की ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। अब यही मनु पंजाबी दीपिका की तारीफें कर रहे हैं। दीपिका कक्कड़ ने तो वाकई खेल को पूरे तरीके से पलट दिया है। फाइनल कट, एंटरटेनमेंट डेस्क।